नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का। आज हमारे पास आया है Redmi 10 Prime। ये आप देख सकते हैं, इसको बैक पैनल मैंने खोल लिया है पर इसको स्क्रू खुला नहीं है। ये देखिए, यहाँ पास नो सर्विस लिख के आ रहा है, इमरजेंसी कॉल है। ये आपको दिखा देते हैं कौन सा मॉडल है। ये आप देख सकते हैं Redmi 10 Prime है। बेस ब्रांड वर्जन भी चेक करा देते हैं आपको। ये देखिए बेस ब्रांड है Redmi 10 Prime, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा इसमें जियो का सिम लगा हुआ है तो भी इसमें नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, देख सकते हैं आप। नो सर्विस क्लिक किया है तो चलिए मोबाइल को ऑफ़ कर लेते हैं और स्क्रू खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसमें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। इसका सभी स्क्रू खोल लेंगे। अगर आपके पास भी ऐसा मोबाइल आएगा तो आप भी बना पाएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में परेशानी ना हो, कहाँ पास क्या काम हो रहा है। ये देखिए स्क्रू तो निकल गया है तो चलिए इसका फ्रेम को निकाल लेते हैं। फ्रेम को निकालने के बाद इसमें जो मदरबोर्ड है उसको निकालेंगे। तो चलिए इसमें जो कैमरा है उसको रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद हमारा जो इस सेट में जो अभी फ़िलहाल आ रहा है नेट, Redmi 10 Prime, Redmi 9 Prime, Redmi 9 Power, इसमें यहाँ पास जो 4G IC लगा हुआ है उसी में प्रॉब्लम आता है। तो चलिए हम लोग उसी को रिसोल्डिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पास है हमारे जो 4G IC है वो, उसको अच्छे से हीटिंग करके मूवमेंट करा लेंगे और उसके बाद चेक करके देखेंगे क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है या नहीं। तो चलिए इसको PCB स्टैंड में फिट कर लेते हैं। हॉट ऑन को कम से कम 380 हॉट और एयर को 0.5 में रखना है।
तो चलिए जो यहाँ पास का शील्ड है उसको रिमूव कर लेते हैं पेस्ट लगा के। पहले शील्ड निकालते समय या फिर आप 400 के ऊपर भी रख सकते हैं हीट को। चारों तरफ अच्छे से हीट कर लेंगे पहले, उसके बाद जो हमारा शील्ड है उसको आराम से ऊपर उठाएंगे, जिससे जो आसपास का कंपोनेंट लगा हुआ है हीट होने के कारण निकले ना। हल्का सभी इधर उधर होगा तो फिर हमारा जो नेटवर्क आईसी सेक्शन है वहाँ पर शॉर्टिंग हो सकता है या फिर कुछ कंपोनेंट इधर उधर हो सकता है। ये देखिए अच्छे से हीट हो गया, तो निकाल लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 4G IC है इसमें शायद ड्राई हो जाने के कारण हमारा जो IC काम करना बंद कर देता है, नो सर्विस लिख के आता है, इमरजेंसी कॉल दिख के आता है। तो चलिए इसको मूव इन करा देते हैं, उसके बाद चेक करके देखेंगे, जिससे ये अच्छे से रिसॉल्विंग हो जाएगा। अच्छे से पहले चारों तरफ को हीट कर लेंगे। अगर इसमें IC को मूवमेंट कराने के बाद भी नहीं आएगा तो फिर इसमें IC चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम लोग इसमें IC को मूवमेंट करा लेते हैं और उसके बाद चेक करके देखेंगे क्या हमारा जो नो सर्विस का प्रॉब्लम है सॉल्व हो पाता है या नहीं। अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसमें हम लोग को IC चेंज करना पड़ेगा, जो हमारा 4G IC है वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें हल्का सा हमने मूवमेंट करा लिया है, तो चलिए इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसको क्लीनर से क्लीन कर लेंगे। तो चलिए इसको PCB स्टैंड से निकाल लेते हैं और उसके बाद क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन कर लें पहले। तो चलिए इसको जो हमारा बोर्ड है उसमें फिट करके देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, या फिर और कुछ काम कर रहा बाकी है, IC चेंज करना पड़ जाएगा तो फिर। तो चलिए पहले IC को चेक करके देख लेते हैं हमारा जो नो सर्विस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाता है या नहीं। नेटवर्क केबल को अच्छे से लगा लें, आपको इसमें कहीं भी काम करना नहीं पड़ेगा। जो नो सर्विस प्रॉब्लम आ रहा है सीधा पहले तो 4G IC में काम करें,
एक बार पहले 4G IC में काम करने से पहले बेस बैंड वर्जन और जो IMEI नंबर है उसको ज़रूर चेक कर लें, जिससे कंफर्म हो जाए कि हमारा जो बेस बैंड ओके है, IMEI नंबर ओके है। इससे पता चल जाएगा कि हम लोग को जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम कहाँ से है और कहाँ काम कर सकते हैं जिससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। तो चलिए देखिए हमारा जो सेट है ऑन हो रहा है, और उसके बाद देखते हैं क्या नेटवर्क आ रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों हमारा सेट ऑन हो चुका है। ये देखिए इसमें नेटवर्क भी आ चुका है, Jio 4G लिख के Jio 4G, और यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास भी फुल नेटवर्क है। जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है IC को मूवमेंट कराने से, रिसोल्डिंग करने से। ये देख सकते हैं 4G नेटवर्क भी आ गया यहाँ पास डाटा ऑन करने से। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।